हेलो दोस्तों, ये हाल चाल थोड़े सारे लाइक का फिर तो स्वागत है मेरे घर ब्लॉग। तो भाई डेट है 11 अक्टूबर 2022, टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे और अभी मैं पहाड़गंज से जा रहा हूँ आर के मार्ग मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मुझे नोएडा सेक्टर 52 के लिए मेट्रो लेनी है, फिर वहाँ से जाना है नोएडा सेक्टर 51, सेक्टर 51 से जाना है विप्रो ऑफिस। तो यहाँ पर फिलहाल तो काफ़ी भीड़ है। तो जी मैं फाइनली आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। बहुत ही कंफ्यूजिंग था एक्सपीरियंस, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मेरी शायद ट्रेन भी आ गई है और चली भी गई है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं सेक्टर 52। अब यहां से पैदल वॉक करके जा रहा हूं सेक्टर 51 तक। फ्री ऑटो की सर्विस है तो मुझे अप्रोक्सीमेट में 7:18 में बैठा था और 8:00 पूरे 40 मिनट में मैं पहुंच गया सेक्टर 51। 50 रुपये लगे मेरे मेट्रो के। मेट्रो का एक्सपीरियंस थोड़ा, पहली बार बैठा था मेट्रो में, सब कुछ मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, वो आपको थोड़ी कोई शांत सी जगह पर जाके बताऊँगा। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल सेक्टर 52 से सेक्टर 51, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और फ्री ई रिक्शा सर्विस भी है। तो देख सकते हैं ये लोग सब लोग ऐसे इस लाइन पे पैदल जा रहे हैं। सेक्टर 51 से बाहर निकलते ही ये रास्ता शुरू हो जाता है और ये दूसरे मेट्रो स्टेशन पे जा रहा है सीधा, और ये नोएडा सिटी। यहाँ से ये पूरी फ्री सर्विस खड़ी है जो आपको सेक्टर 51 से 52 ले जाएगी, ऐसे ही सेक्टर 52 से 51 के लिए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं GINDI मेट्रो स्टेशन। तो ये वाली, तो गाइस 30 मिनट में मैं पहुंच गया नोएडा सेक्टर 51 से, नोएडा सेक्टर 51 से लेके GINDI ऑफिस। वैसे तो 18 स्टेशन आते हैं लेकिन 8 बजे से लेके 11 बजे तक सुपरफास्ट चलती है, तो जो स्टेशन है ना वो कम हो गए, मतलब उन्होंने 4-5 स्टेशन तो काट ही दिए और मैं 30 मिनट में पहुंच गया। वैसे टाइम लगता 45 मिनट्स। ये नोएडा कैसा कुछ व्यू है और मौसम तो आज वैसे ही अच्छा है, बहुत बारिश वाला मौसम है पूरा, और यहाँ पर पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी। मेट्रो स्टेशन तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से मैं विप्रो जाऊँगा, वॉकिंग डिस्टेंस पे 1.5 किलोमीटर है विप्रो। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप यहाँ पे ऑटो लेके भी जा सकते हैं या वॉकिंग डिस्टेंस तो ये है विप्रो, तो वॉक करके जाते हैं यहाँ पे। तो सारी मुझे लगता है वही है, मैक्सिमम लोग जो टिकट लेते हैं वो नॉलेज पार्क के लेते हैं, नॉलेज पार्क में उतरे थे मैक्सिमम सब लोग, यहाँ GINDI ऑफिस में तो बहुत कम लोग उतरे। तो अब देखते हैं आगे, मैं यहाँ पर गूगल पर सर्च करता हूँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और शाम को भी यही सेम रहता है, 5 बजे से लेके 8 बजे तक जो 3 घंटे हैं वो ट्रेन सुपरफास्ट चलती है, वो मतलब ऐसे 30-30 मिनट में पहुँचाती हैं, क्योंकि इन भी अच्छा है, मज़ा आ रहा है पूरा। और यहाँ पे ग्रीनरी तो अच्छी है यार, एरिया तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये पूरा ऐसा कोई बेकार एरिया तो नहीं लग रहा, क्योंकि सड़कें भी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी भी बहुत है। और अभी मैं ना वैसे ही चले जा रहा हूँ, यहाँ पे पहले गूगल पे सर्च कर लूँ मेरे को जाना कौन सी साइड है। तो मैंने जो रास्ता है वो तो देख लिया, 1.5 किलोमीटर है, 20 मिनट लगेंगे वॉक करके। और तो अब देखते हैं कि विप्रो में मैं सबसे पहली बार जा रहा हूँ, मेरे पास कोई आई डी कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब जाके देखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर आई डी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर दी थी, तो अब ये नहीं पता अभी तक कोई मेल तो नहीं आई कि आई डी कार्ड बना है या नहीं, तो अभी वहाँ पर गेट पर जाके पता लगेगा कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी क्या होंगी। और मुझे 2-3 बंदे मिले भी थे मेट्रो स्टेशन पे कि हम भी विप्रो के लिए आए, विप्रो कहाँ है, तो मैं थोड़ा व्लॉग करना था इसलिए फिर मैं उनके साथ नहीं गया, तो मैं थोड़ा वॉशरूम चला गया था ताकि वो चले जाएं। फिर वैसा ही हुआ, अभी मैं फ़िलहाल तो जा रहा हूँ अकेला वहाँ, लेकिन वहाँ जैसे गेट पर पहुँचूँगा तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो सब लोग वहाँ पर होंगे, तो आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन देखते हैं क्या कैसा एक्सपीरियंस जाएगा। तो लेकिन यार वैसा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब पूरे 1 साल के बाद, मैंने 23 अगस्त 2021 को जॉब स्टार्ट करी थी और उसके बाद मैं आज पहली बार अपने ऑफिस जा रहा हूँ, और ये मतलब एक इंसान का भी अच्छा मतलब मेमोरेबल डे होता है, जिस दिन वो पहले दिन ऑफिस जाता है उसका एक्सपीरियंस क्या होगा कैसे होगा, सब टीम वालों से मिलेंगे। और यहाँ तो ऐसा है कि मतलब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन जो जिन टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनमें से तो सिर्फ 1 या 2 ही लोग आ रहे हैं, बाकी सब नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी सबकी लोकेशन किसी की लोकेशन डिफरेंट है, कोई बहुत दूर रहता है तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इवेंट मतलब एक इवेंट टाइप का है जिसमें कंपलसरी नहीं रखाने के लिए, क्योंकि लोगों की लोकेशन बहुत दूर दूर है। तो अब देखते हैं कैसा, किस किस लोगों से मिलता हूँ, क्या होता है सब, आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा अगर मैं शूट कर पाया तो। वैसे अभी भी मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर भी मैंने इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया कि मुझे लगता है ज़्यादा शूट कर नहीं सकते, विप्रो के अंदर भी शायद कर पाएँ शायद ना कर पाएँ, अगर कर पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, नहीं तो वर्बली आपको ऐसे ही बोल के सारे अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो मैं देखो वॉक करते करते मुझे विप्रो का ऑफिस तो दिख गया, ये रहा ऑफिस, एक गेट ये भी, अभी इस गेट पर जाके पूछता हूँ कि मैं यहाँ से अंदर एंट्री कर सकता हूँ या नहीं।
तो जी यहाँ से ऑफिस में तो एंट्री हो चुकी है, ये विप्रो का ऑफिस है, उसी गेट नंबर से मुझे एंट्री मिल गई। गेट नंबर में कोई याद नहीं, अभी जब यहाँ से बाहर जाऊँगा तब तो आपको बता दूँगा। लेकिन मेट्रो स्टेशन से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये गेट। तो गाइस अब क्या हुआ, मैं गेट नंबर 2 से एंट्री किया था लेकिन मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, तो उसने कहा कि आपको मेन गेट से जाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो आईडी कार्ड है ना उसने वेरीफाई किया, वो गेट मेन गेट पे पड़ा है, बना हुआ है, तो उसने कहा कि आपको वहीं से इशू होगा तो आपको वहीं से जाना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा वहीं से बाहर निकल के मेन रोड से भी मेन गेट पे जा रहा हूँ, अंदर से उसने जाना अलाउ नहीं किया क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। तो ये ऑफिस है, ऑफिस के बिल्कुल सामने बहुत अच्छा सा पार्क है, यहीं पर पूरी पार्किंग है और ये मेन गेट है विप्रो का। तो गाइस टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30 बजे और मेरा जो इवेंट है विप्रो ऑफिस में ख़त्म हो चुका है। पूरा विप्रो ऑफिस मैंने एक्सप्लोर कर लिया और दोबारा विप्रो से जैसे ही वॉक करके GND ऑफिस गेट नंबर 2 के मेट्रो स्टेशन पे दोबारा आ गया। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं था, पहले मैं थोड़ा गलत डायरेक्शन में चला गया था लेकिन यहाँ हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। अब पैदल मतलब ये इसी स्टेशन से पैदल ही विप्रो ऑफिस जा सकते हैं और पैदल ही यहाँ पर आ सकते हैं GND ऑफिस। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा मेट्रो में, दोबारा जा रहा हूँ पहाड़गंज, तो वही सेम रूट रहेगा, 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी।